हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया डिज़ाइन फ्रॉक का बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने बेबी बूल ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो मैं ये 1.5 से 2 साल तक के बच्चे का बनाऊँगी और गले से शुरू करूँगी। तो मैं इसमें 84 फंदे डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 84 फंदे डाले हुए हैं। तो अब मैं इसको एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बन गई हमारी गले की पट्टी। तो अब मैं इसमें फ्रॉक के अलग अलग पोर्शन बनाकर दिखाती हूँ, डिवाइड करके फंदों को। ये 8 फंदे बॉर्डर के, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद 9 फंदे अगले पोर्शन के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो धागा पीछे करके इस तरह से ऐसे इधर का इस तरह से फंदों को घुमा के इधर भी हमने 2 का 3 करना है। ये देखिए, जैसे हम जाली डाल के एक एक फंदा बढ़ाते हैं, इसी तरह ये एक एक फंदा बढ़ गया। अब इसके बाद फिर 9 फंदे बाजू के लूँगी। फिर धागा पीछे करके यहाँ पर फिर हमने एक फंदा बढ़ाना है। ये टोटल हमने 8 बार बढ़ाने हैं, 4 जगह बढ़ाने हैं। तो 8 बार, 1 ये दूसरा, फिर 3, फिर 4, 4 जगह बढ़ाने हैं। फिर इधर के इस तरह से ऐसे। अब यहाँ पर हमारे बीच में 22 फंदे बचते हैं, तो 22 फंदे बना लूँगे। इस सीधी तरफ से हमने उल्टा उल्टा बनाना है बुनाई के लिए। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब फिर हमने इसी तरह फंदे बढ़ाना है।
इस तरह से। ये देखिए अब फिर 9 फंदे उल्टे, एक बार फिर यहाँ पर फंदे बढ़ाऊंगी। ये अलग तरीके से फंदे बढ़ा रही हूँ जाली ना डाल के। इससे पहले हमने जाली डाल के बताए थे फंदे बढ़ाना, अब मैं ये बिना जाली के बताऊंगी। ये देखिए अब फिर 9 फंदे अगले पोर्शन के। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 जगह फंदे बढ़ाए हुए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4। अब मैं उल्टी सिलाई बनाकर दिखाती हूँ, जो हमारी बुनाई भी पड़ेगी तो हमारी उल्टी सिलाई से ही पड़ेगी। तो 8 फंदे बॉर्डर के, 5, 6, 7, 8 8 फंदे बॉर्डर के। अब उसके बाद 1 फंदे के 3 फंदे बनाऊंगी। ये हमारी बुनाई है इस तरह से। फिर आगे धागा करके 3 का 1 बनाऊंगी, फिर धागा पीछे करके 1 का 3 इस तरह से। ये हो गए हमारे 5 फंदे। तो हमने यहाँ पर ये देखिए 9 फंदे लिए हुए हैं, 5 हो गए। अब हमने 1 का 3 बनाना है। फिर 3 का 1 करना है। ये देखिए सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, मैं ये दोबारा बना के दिखाती हूँ। पहले 1 के 3 किए, फिर 3 का 1, फिर 3 1 के 3, अब 3 का 1 करना है। इस तरह से अब 1 का 3 करना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमने फंदे बढ़ाए हुए हैं, मतलब आगे जो हमें फंदे बढ़ाने हैं, पहले हमने जाली से बढ़ाकर बताए थे, अब इस बार मैं अलग तरीके से फंदे बढ़ाऊंगी। तो हमने अभी सीधी सिलाई पर बताया हुआ था, अब उल्टी सिलाई में हमने सभी फंदे उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से अब हमने यहाँ पर ये जो बाजू के फंदे हैं यहाँ पर भी हमने इसी तरह बुनाई डालनी है। तो 1 फंदे का 3 फंदा बनाऊंगी, फिर आगे धागा करके 3 का 1 बनाऊंगी।
फिर एक फंदे का तीन, फिर तीन का एक, फिर एक फंदे का तीन, अब ये फिर हमारे ये दो के जो तीन हमने सीधी सिलाई पर किए थे फंदे बढ़ाने के लिए, तो ये आ गए यहाँ पर, तो हम इनको सिंगल सिंगल बना लूँगे उल्टा उल्टा। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी इस तरह बुनाई डाल के। ये देखिए जो उल्टी तरफ से हमने तीन का एक और एक का तीन किया था, अब ये सब सीधी तरफ से सभी फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। आपको थोड़ा बनाने के बाद आपको बुनाई समझ में आएगी। तो ये सीधी तरफ से हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं, सिर्फ ये बढ़ाने वाले फंदे छोड़ के, ये वाले जो यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, तो मैं अभी बढ़ा कर बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए ये दो जगह हमने बढ़ा रखे हैं, यानी कि दो के तीन किए थे, तो अब ये जो तीसरा फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए फिर हमारे ये दो बचते हैं, तो इनको हमने फिर तीन बनाने हैं इस तरह से। तो हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर भी इधर भी दो का तीन बनाना है इस तरह से। ये देखिए अब इसमें से जो बड़ा हुआ एक फंदा वो हमने इधर से सीधा बनाना है, सीधी सिलाई पर सीधा बुन लेना है इस तरह से। तो एक एक सीधा इधर आ गया और ये फिर दो के तीन हो गए। अगली सिलाई में फिर ये वाला सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ से दो के तीन बनाएंगे। तो इसी तरह हमने हर सिलाई में बनाना है। बाकी ये जो बुनाई के फंदे हैं ये हमने सभी उल्टे उल्टे बनाने हैं। सीधे तरफ से उल्टे बनाए जाएंगे और उल्टी तरफ से बुनाई पड़ेगी। ये देखिए ये बुनाई वाले फंदे हो गए, तो हमने सभी उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब ये जो हमने एक फंदा जो बढ़ाया था, ये देखिए दो के तीन और दो के तीन, दो जगह बढ़ाए हमने एक एक फंदा, तो इसमें से हम एक फंदा सीधा बना लेंगे। हमारे दो फंदे बचते हैं, इसको हमने तीन बनाना है। ये दो के तीन हो गए और इसमें से पहले दो फंदों को लूँगी और तीन बनाऊंगे। फिर जो एक फंदा बचता है इसको हमने सीधा बना लेना है। ये देखिए तो कुछ इस तरह से हमारा ये जाली की जगह ये वाला डिज़ाइन बन के आएगा। थोड़ा सा बन जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी ये बुनाई जो है इसको हमने सीधी तरफ से सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए अब ये फिर हमारे वही जो बगल के फंदे हम बढ़ाते हैं ये वो फंदे हैं, दो जगह, ये दो के तीन, ये दो के तीन। तो अब हम धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से फिर दो का तीन बनाएंगे।
इस तरह से। तो ये देखिए बीच में हमारा ये गैप आ रहा है, तो इससे हमारा पता चलता है कि हम यहाँ पर फंदे बढ़ा रहे हैं। फिर दो का तीन करेंगे इस तरह से, और ये जो बढ़ता हुआ फंदा है, हर सिलाई, हर सीधी सिलाई में जो एक फंदा हमें बढ़ा हुआ मिलेगा उसको हमने सीधा बनाना है इस तरह से। बाकी ये बुनाई के फंदे आ गए, इनको हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। इसी तरह बनाते हो, थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये हो गए हमारे बॉर्डर के 8 फंदे। अब देखिए यहाँ पर बटन होल भी बनाना है, तो धागे को हम पीछे करेंगे और 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से इसको हम बुन लेंगे, तो यहाँ पर 2 1 फंदा घट गया और 1 फंदा यहाँ पर बढ़ गया। तो ये हो गया हमारा बटन होल। अब देखिए उल्टी सिलाई में क्या करना है। पहले मैं बॉर्डर के फंदे बना लूँगी 8 फंदे। ये बटन होल वाला भी हमने उल्टा बुन लिया। अब देखिए जो ये 1 के 3 किए थे इनको हमने 3 का 1 करना है इस तरह से। सॉरी, 1 का 3 जो किया था तो 3 फंदे हैं जो यहाँ पर, उसका हमने 3 का 1 करना है। और ये यहाँ पर हमने 3 का 1 किया था तो यहाँ पर हमने 1 के 3 बनाने हैं, यानी कि चेंज करना है। तो आपको वैसे साफ पता चल जाएगा देख के जब बुनाई डालेंगे। तो ये देखिए ये हमने 1 के 3 बना लिए। अब जो हमने 1 फंदे के 3 फंदे बनाए थे उसको हमने 3 का 1 करना है उल्टा बुनते हुए इस तरह से। फिर धागा पीछे करूँगी और ये जो 3 का 1 किया था इसको हमने 1 का 3 बनाना है। ये हमें उल्टी सिलाई से ही बनाना है। सीधी सिलाई में सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुन के लाएंगे तो देखिए इस तरह से कुछ गांठ गांठ सी उभर के आएगी। फिर ये 3 का 1। अब ये सभी फंदे उल्टे बनाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने बढ़ाए जो थे फंदे, तो ये सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 के 3 किए थे और ये पहली सिलाई में 1 फंदा बढ़ गया था, तो इस तरह से यहाँ तक हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं।
फिर वैसे ही करना है। जो एक का तीन किया था तो तीन का एक करना है इधर से, और तीन का एक किया था उस पर हमने तीन का एक का तीन बनाना है। तो ये देखिए एक के तीन बना रखे हैं, तो इसको हम तीन का एक बनाएंगे। अब फिर धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर हमने तीन का एक बनाया हुआ है, तो ये सिंगल फंदा है, तो इसमें हम तीन फंदे बनाएंगे। ये देखिए गांठ गांठ सी उभर के आएगी डिजाइन, बहुत सुंदर लगती है। ये बड़े हुए फंदे आ गए हमारे, जो इधर से हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं रॉन्ग साइड से। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्रॉक का ऊपर का पोर्शन बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये बुनाई आ गई। ये देखिए छोटी छोटी कितनी सुंदर लग रही है। और ये जो सीधे फंदे हैं ये हमने यहाँ पर जो बढ़ाए हैं एक एक फंदा हर सीधी सिलाई पर, तो वो ये सीधे फंदे बनाए जाएंगे। ये देखिए ये बाजू के बीचों बीच में आ रहा है, ये बॉर्डर के बाद आ रहा है, ये देखिए, और ये पीछे का पोर्शन है। और ये देखिए चार जगह हमने फंदे बढ़ाए हुए हैं, एक दो तीन चार, ये बगल के फंदे हैं। अब इसकी हमने कितनी लंबाई रखनी है बगल की, तो उस हिसाब से बना के फिर आगे मैं दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा ये कम है, ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आए तो देख ली, देखिए ये है सीधा पोर्शन। तो इधर हमने सभी फंदे यहाँ पर ये बुनाई वाले उल्टे उल्टे बनाने हैं, और ये जो सीधे सीधे बनाए हैं ये सभी फंदे ये बढ़ाए हुए हैं। यहाँ से जो एक एक बढ़ता हुआ है, तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से एक एक करके फंदा बढ़ता गया है। देखिए फंदे पूरे बढ़ गए हैं। अब मैं आपको बाजू बनाकर दिखाऊंगी, फिर उसके बाद सभी पल्लों को जोड़ दूंगी। पहले मैं ये बाजू बनाऊंगी, ये हमारी बाजू है, यहाँ से इतने फंदे बाजू के, तो मैं ये यहाँ से बुन लेती हूँ। ये मैंने 25 बार फंदे बढ़ाए हैं, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक 25। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ये पहली सिलाई से और यहाँ तक 25 फंदे हमने बढ़ाए हैं, यानी कि 25 इधर बढ़ गए और 25
इधर बढ़ गई, इसी तरह यहाँ पर 25 इधर 25 इधर, एक एक करके हर सीधी सिलाई पे हमने एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है। तो इस तरह से हमने 25 बार बढ़ाया हुआ है। तो अब मैं ये यहाँ से और यहाँ तक ये सभी फंदे हमने एक बाजू में लेने हैं। ये बुनाई हमारी बीच में आएगी। ये देखिए मैंने यहाँ तक फंदे ले लिए हैं, यहाँ से और यहाँ तक अब मैं बाजू बनाऊंगी। ये देखिए ये 10 सिलाई के बाद हमने एक एक फंदा घटाना है, एक फंदा इधर से और एक फंदा दूसरी तरफ से, क्योंकि ये हमारे टोटल 64 फंदे हैं। तो बॉर्डर पे हमने जितने रखने हैं उस हिसाब से छोड़ के बाकी के फंदे हमने थोड़ी थोड़ी सिलाई पे, 8 सिलाई पे, 10 सिलाई पे आप इतनी दूरी पर एक एक फंदा घटा सकते हैं। एक फंदा इधर घटाइए, एक फंदा इधर घटाइए। देखिए एक फंदा इधर घटा देंगे इस तरह से, दो का एक कर दिया। तो इसी तरह हमने जितनी बाजू की लंबाई रखनी है और जितने फंदे रखने हैं बॉर्डर पर, तो आप उसी हिसाब से आप घटाइए। देखिए फ्रेंड्स दोनों बाजू बन गई हैं, ये देखिए। ये देखिए अब मैं इन तीनों पोर्शनों को तीनों पोर्शन मिल फंदे एक साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे, ये आगे का है, पीछे का है और फिर ये आगे का। तो मैं ये अब तीनों पोर्शन एक साथ बना लूँगी।
ये देखिए अब ये आगे का पोर्शन भी इसके साथ बना लूँगे। ये देखिए अब इतनी लेंथ करने के बाद अब यहाँ पर हमने कुछ फंदे बढ़ाने हैं। तो ये बुनाई के बाद हमने 6 फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके बाद हमने 1 फंदे के 3 फंदे बना लिया इस तरह से। ये देखिए इसी तरह मैंने बढ़ाते हुए 10 फंदों में बढ़ाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 8 बार बढ़ाऊंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद ये फंदे सभी हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। ये हो गया हमारा आगे का पोर्शन। ये छोटी फ्रॉक है इसलिए हमने 8 फंदों में बढ़ाए हैं। अगर थोड़ा सा आपको बड़ा साइज बनाना है तो आप 10 बार बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 8 बार बढ़ाए हैं। पीछे का पोर्शन है तो ये सारे जो सीधे सीधे फंदे हैं वो हमने ऐसे ही बना लेने हैं, और जो जितना पोर्शन ये बुनाई वाला है इसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से
एक सीधा ले लूँगी और फिर एक फंदे का तेल। अभी देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक फंदे बढ़ा लिए हैं। अब ये जो सीधे सीधे फंदे हैं वो मैंने यहाँ तक बनाने हैं, 6 इधर छोड़ के और 8 फंदे हमने यहाँ पर लेने हैं। बीच में हमने एक एक लिया है सीधा सीधा, ये देखिए 1 2 3 एक सिंगल फंदा, फिर 1 2 3 फिर एक सिंगल फंदा, 1 2 ये हो गए 8 बार हमारे, बाकी सभी फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए हैं। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा बनाऊँगी। देखिए ये हमारा आगे का पोर्शन आ गया दूसरा, तो फिर हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं से 1 का 3 करके। फिर एक सिंगल इसमें हमने नहीं बढ़ाना है, फिर 3 बार लेने हैं। अब ये 6 फंदे सीधे सीधे बनाऊंगे। ये सभी मैंने उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बना लूँगी, बुनाई के फंदे छोड़ के, क्योंकि इन फंदों पे बुनाई पड़ेगी उल्टी साइड से। बाकी सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं और सीधे तरफ से सीधे सीधे। ये देखिए इस तरह से अगर आप देखें तो ये बाजू हो गई, ये दोनों फ्रंट और ये देखिए ये बैक, तो बनके इस तरह से स्वेटर हमारा तैयार होगा। बहुत सुंदर लगता है बच्चों के ऊपर, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।
देखिए फ्रेंड्स फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। ये देखिए आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।